शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जानते हैं महादेव, रोज थोड़ा थोड़ा करके बदल रहे हैं हम, अपने ही उसूलों पर फिसल रहे हैं, पर क्या करें, कागजों के फैसले तो सिर्फ अदालत में चलते हैं ना, और हम गौरव के आंखों के हर फैसले मान चुके हैं। अभी हमरे गौने की खुशी से ज्यादा गौरव का दुख बहुत बड़ा है, और हम उसका साथ देंगे। अभी गहना गौरव से अपनी दोस्ती निभाएगी, उसे इस बीच मजदार से बाहर निकालेंगे, ऐसी कन्नी बांधेंगे ना हम गौरव के सपनों की पतंग की, कि कोई भी उसे काटने की हिम्मत ना ही करेगा। हम उसकी कामयाबी की सीढ़ी बनेंगे महादेव। अब बस अपने आशीर्वाद की लाठी हम पर बनाए रखना। आपके आशीर्वाद की लाठी हमारे साथ होगी तो तभी तो जाकर गौरव को उसे उसकी मंजिल मिलेगी, और फिर हमारी भी। हम अपना हर फर्ज निभाएंगे महादेव, लेकिन उसका फल वो आप ही के हाथ में है। इसलिए आपसे विनती करते हैं कि हमारे गौरव के सपनों में कोनो अड़चने ना आए, उसका सफर ऐसा आसान कर दो कि कोई भी मुश्किलें ना आए बीच में। महादेव, कुछ महीनों में आप ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि गौरव अपने सपनों के बहुत ही करीब आ जाए, उसे जो चाहिए उसे वो मिल जाए। बस महादेव, इसीलिए हम यही रहेंगे अपने गौरव के साथ। कच्ची मिट्टी से जो उम्मीदों के घर बनाए हैं ना गौरव ने, उसे बारिश की हकीकत में बहने ना ही देंगे हम, बल्कि अपने प्यार से, सहारे से, और अब जो ये दोस्ती की डोर है ना, उसे निभाएंगे। गौरव की हर उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, उनके हर सपने पूरे करेंगे हम महादेव। आप बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना। प्लेट्स में सर्व करोगे मेरे गेस्ट्स को, और तुम दोनों की बेवकूफी की वजह से मेरे स्टूडियो में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी वजह से ये प्रेजेंटेशन मुझे इस घर में शिफ्ट करनी पड़ी। बावजूद तुम दोनों से एक
काम ठीक से नहीं होता। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़े इन्वेस्टर, मेरे बेस्ट डिजाइन इनको प्रेजेंट होने चाहिए। ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए। मॉडल, खाना, डिजाइन और प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट। और तुम सब लोग इसे खराब करने पर तुले हुए हो। ये बिजनेस की बातें हैं, हमारी बेटी पर छोड़ दो, तुम घर संभालो। वो जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, उसके काम में दखल मत दो। दखल तो हमने दे दिया है, स्टूडियो के तार काट के। और अब घर में हो रहे तुम्हारे इस प्रेजेंटेशन की भी नस काटनी है। उर्वशी बिटिया, हमें तुम पर गर्व है। हमारे तीनों बच्चों में सबसे समझदार सिर्फ तुम हो। कुछ ज्यादा ही हो रही है आज ये पापा के सामने। ही इसकी प्रेजेंटेशन को फेल करके आज इसे पापा की नजरों में गिराना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। गहना, प्रिंस को आज तुम अच्छे से तैयार करना एंड मेक श्योर कि वो आज कोई शैतानी ना करे, समझी तुम? आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरती ले लूं? कहना मैं माफ कर दूं। जो हो गया उसे भूल जाओ गौरव, कोनो बात नहीं। अब जो करना चाहते हो, जो ठान लिया है उस पर ध्यान दो। हम तुम्हारी मजबूरी समझ सकते, हम तुम्हारे साथ हैं गौरव, और महादेव तो है ही। गौरव, तुमसे एक बात कहनी थी। हम तारा दीदी से मिलना चाहते हैं। अभी नहीं कहना, सही वक्त आने पर हम तुम्हें उनसे उनसे मिलवा देंगे। ठीक है कहना, थैंक यू हमारी बात सुनकर यहाँ रुकने के लिए। हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि तुम गांव वापस जाओ। तुम मान गई हो ना तो हमारी आधी चिंता दूर हो गई है। रुकते कैसे नहीं, वादा किया है, निभाना तो पड़ेगा। बोले बुद्धू। अब अच्छा, हम चलते हैं। वो प्रिंस को नाश्ता भी कराना है। चलो चलो, अच्छा से सूप पिएगा प्रिंस। अब ये मम्मी का नहीं खाना। अरे क्यों, अभी तो नानू का, नानी का, मामा का, सबका बाकी है ना, खाना तो पड़ेगा। नहीं। अरे प्रिंस, गुड बॉय। अरे अरे ऐसे कैसे, तेरी तो रुको, इधर आओ। अरे कहाँ भाग रहे हो बच्चू, ये हवाई जहाज अभी पकड़ लेगा तुम्हें। रुको रुको रुको। अरे अरे यार, ये मॉडल तो कॉल ही नहीं उठा रहा और अभी तक आया भी नहीं है। उर्वशी मैम को पता चलेगा तो हमारी तो खैर नहीं। लास्ट टाइम भी मॉडल की वजह से उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ था, और इस बार तो कपड़ा नहीं हमारा ही गला कट जाएगा। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।